पिता परमात्मा के हम सभी मनुष्य आत्माओं के साथ तीन मुख्य संबंध हैं। वे हमारे पिता हैं। हमारे पिता बनकर वे हमें प्रेम की अनुभूति कराते हैं। हमारे परम शिक्षक हैं, अर्थात हमें शिक्षाएं देकर उन पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। परमात्मा ही हमारे सद्गुरु हैं, अर्थात हमें सद्गति भी देते हैं। दुनिया में यूं तो किसी व्यक्ति के पिता ही उनके गुरु अथवा शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन वे पिता हमें सद्गति नहीं दे सकते। तो परमात्मा किन मनुष्य आत्माओं की सद्गति करते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं गीता रहस्य के 32वें श्रीमद् भगवत गीता सर्व शास्त्रों का सार है। ये मनुष्य के जीवन को नई गाइडेंस देने वाला है। जब भी किसी के पास समस्या आए, गीता को खोल कर पढ़ लेने से चित्त शांत हो जाता है, उसे अपनी शक्तियों का आभास हो जाता है और ऐसा मनुष्य चिंता, समस्या और तनाव से विमुक्त हो जाता है। आइए हम प्रवेश कर रहे हैं 12वें अध्याय के 15वें श्लोक से, जिसमें भगवान पुनः पुनः बोल रहे हैं, मुझे कौन प्रिय है। सचमुच कौन ऐसा होगा जो भगवान का प्यार न चाहता हो। संसार में भी जिसे माता पिता, शिक्षक और गुरुजनों का प्यार मिल जाता हो, उसका जीवन तो धन्य धन्य हो उठता है। और जिसे स्वयं भगवान का प्यार मिल जाए, जो सच्चा माता पिता है, जो परम शिक्षक है, जो वरदानों से झोली भरने वाला परम सद्गुरु है, तो उसके तो कहने ही क्या। हम सभी परम पिता के प्यार के पात्र बन जाएं, तो सबसे पहला लक्षण दिखाया है कि जो मनुष्य कभी उद्वेग में नहीं आता, जिसके द्वारा दूसरों को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी कभी उद्वेग में नहीं आता, ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। जो हर्ष और अमहर्ष से परे है, हर्ष माना खुशी और अमहर्ष माना जो दूसरे को सुखी देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो द्वेष से रहित है, जो आकांक्षाओं से रहित है, जो बाहर और भीतर से शुद्ध है, ऐसा योगी, ऐसा भक्त, ऐसा वत्स मुझे अति प्रिय है। आओ हम इस पर जरा विचार करें और इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके परमात्म प्यार के पात्र बन जाएं। उद्वेग, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अर्थात जो व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मैं दूसरों से ऐसा व्यवहार न करूं, मैं दूसरों से ऐसे शब्द न बोलूं जो सुनकर दूसरे लोग क्रोध में आ जाएं, उनकी मन स्थिति तनावपूर्ण हो जाए, उनकी शांति भंग हो जाए, उनकी खुशी चली जाए, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत महान होता है। जो दूसरे की खुशी और शांति का भी उतना ही ध्यान रखता है जितना अपनी खुशी और शांति का, और जिसको दूसरों के वचन सुनकर, दूसरों का गलत व्यवहार देखकर, दूसरों का शत्रुतापूर्ण रवैया देखकर उद्वेग नहीं होता, दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ हैं। चाहे हम दूसरे को क्रोध दिलाएं, चाहे दूसरों की बातों से स्वयं क्रोधित हों, दोनों ही आत्मा को अधोपतन की ओर ले जाते हैं, मनुष्य का पतन करते हैं, उसकी बुद्धि की शक्ति को नष्ट करते हैं। तो हम क्या करें जो कभी भी हमारे मुख से ऐसे वचन न निकलें जो दूसरे को उद्वेग उत्पन्न हो। और इसके लिए हमें ध्यान देना है अपने व्यवहार पर, अपनी भावनाओं पर, अपने वचनों पर। हम सुखदायी बोल बोलें, हम दूसरों के उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले बोल बोलें, हम दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखें, दूसरों के इम्प्रूवमेंट को ध्यान रखें, उनमें सुधार करें, उनको उन्नति का मार्ग बताएं, तो कभी भी हमारे मुख से ऐसे वचन नहीं निकलेंगे या हमारे व्यवहार में ऐसी कटुता नहीं होगी। ऐसे ही दूसरों के गलत व्यवहार देखकर हमें भी क्रोध न आए, हम अपने चित्त को ऐसी शांति से भर लें। इसमें ही जो एक दूसरा महावाक्य आया है,
कि वो मनुष्य जो आकांक्षाओं से मुक्त है मुझे अति प्रिय है। यहाँ आकांक्षाओं का अर्थ इच्छाएं भी हैं, तृष्णाएं भी हैं और एक्सपेक्टेशंस कामनाएं भी हैं। मनुष्य के मन में जब दूसरों से भिन्न भिन्न तरह की कामनाएं होती हैं और उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तब भी उसे क्रोध आता है, उद्वेग होता है। एक माँ सोचती है, कामना रखती है, बड़े होकर मेरे बच्चे मेरा ध्यान दें, मेरी पालना करें। तो मनुष्य के मन में दूसरों से अनेक कामनाएं होती हैं। जैसे माँ चाहती है कि बच्चा बड़ा होकर उसका ध्यान रखे, उसकी सेवा करे। बाप भी बहुत चाहता है कि उसका बच्चा बहुत योग्य बन जाए और जब वो बूढ़ा हो, बीमार हो, तब उसकी बहुत सेवा करे। फ्रेंड फ्रेंड से कुछ कामना रखता है, भाई भाइयों से रखता है, भाई बहनों से रखता है, स्टूडेंट अपने टीचर से रखते हैं और शिक्षक अपने विद्यार्थियों से भी कामनाएं रखते हैं। जिनके साथ हम काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें, वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी कामनाओं के अनुरूप काम करें। परंतु जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो मनुष्य जो क्रोध को जीत चुका है, वास्तव में उसका चित्त शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त शांत रहता है, उसकी खुशी कायम रहती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मनुष्य की खुशी को नष्ट कर देती है, उसके तनाव को बढ़ा देती है। तो हम न दूसरों में उद्वेग पैदा करें, न दूसरों की बातों से स्वयं को उद्वेग में लाएं और अपनी कामनाओं को कम करते चलें। हमें याद रखना है, कामनाएं मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं। जहाँ कामनाएं हैं, जहाँ इच्छाएं हैं, वहाँ मनुष्य अच्छा नहीं बन सकता। कामनाएं मनुष्य की खुशी को छीन लेती हैं। जो मनुष्य कामनाओं से, आकांक्षाओं से रहित है, वो वास्तव में इस संसार में बहुत सुखी है। नहीं तो बिना मतलब ही, सब कुछ होते हुए भी दूसरों से कामना रखने के कारण मनुष्य बहुत दुखी रहता है। ऐसे ही हर्ष और अमहर्ष से परे। अब कोई अच्छी बात हो गई, कोई फंक्शन हो रहा है, हमें सफलता मिल गई है, बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिले हैं, न्यूज अच्छे आए हैं, तो हम खुश तो होंगे ही। लेकिन भगवान कहते हैं जो हर्ष और अमहर्ष से परे है, अर्थात जो छोटी भौतिक प्राप्तियों से बहुत प्रफुल्लित नहीं होता, उन्हें प्रभु की देन समझकर सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, और जो दूसरों को उन्नत होता देख, दूसरों को सुखी देखकर दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति वास्तव में बहुत महान है और वही भगवान को प्रिय है। हम जानते हैं संसार में कई कारणों से लोग दुखी होते हैं। कुछ लोग दुखी हैं अपने दुखों के कारण, कुछ लोग दुखी हैं दूसरों के दुखों के कारण, और कुछ लोग तीसरे दुखी हैं दूसरों के सुखों के कारण, उनकी उन्नति को देखकर। और चौथे कुछ ऐसे लोग भी हमें मिल जाएंगे जो बिना कारण ही दुखी रहते हैं। दुख को जिन्होंने अपना संस्कार बना लिया है, कारण कुछ नहीं, सोच सोच कर वो दुखी होते रहते हैं। तो हम सभी इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएं। कोई उन्नति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरों की उन्नति देखकर हम उसके उमंग उत्साह को बढ़ाएं, हम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दें, ग्रीटिंग्स दें, वाह वाह करें, तो इससे उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए स्नेह बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और यदि हम दूसरों की उन्नति देख जलते रहेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, तो हम अपने सम्मान को खो देंगे, सबके प्यार को खो देंगे। तो हर्ष और अमहर्ष से भी हमें परे हो जाना है। हमें तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। हमें तो खुशी इस बात की होनी चाहिए कि वो हमें स्वर्ग की राजाई देने के लिए आया है, वो स्वयं हमें पढ़ा रहा है, हम उसके बहुत समीप आ गए हैं, जिसको हम हजारों वर्षों से ढूंढते थे, जिससे मिलने के लिए हम रात दिन इंतजार करते थे, वो प्राणेश्वर अब हमारे सम्मुख उपस्थित है। ये अलौकिक खुशी, ये अतिंद्रिय खुशी ही वास्तविक खुशी है, और यही आत्मा को सच्चा सुख प्रदान करती है। ऐसी खुशी रखने वालों को भगवान सचमुच बहुत प्यार करता है। जो मनुष्य बाहर और भीतर से शुद्ध है, बाहर की शुद्धि हम सब जानते हैं,
स्नान करना, सोच के बाद स्वयं को स्नान कराना, शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ रहते हैं और हमारे शरीर शुद्ध नहीं होते तो दूसरे लोग भी तो हमें अच्छा नहीं समझते। हमारी बाह्य अशुद्धि हमारे आंतरिक विचारों को भी अशुद्ध करती है। आप अनुभव कर लें, जब आपके वस्त्र मैले हों तब आपके विचार कैसे होते हैं, और जब आपने बिल्कुल साफ सुथरे नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहने हों तब आपके विचार कैसे होते हैं। तो हमारी पोशाक का, हमारी बाह्य शुद्धि का प्रभाव हमारे विचारों पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि आत्मा निरंतर शरीर से जुड़ी हुई है। शरीर की हर प्रक्रिया आत्मा को, मन को, बुद्धि को अवश्य प्रभावित करती है। बहुत महत्वपूर्ण है अंदर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो बहुत लोग रखते भी हैं, उसके लिए हमें रोज स्नान करना चाहिए। सवेरे और शाम स्नान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तन मन से भी फ्रेश रहेंगे और हमारे शरीर में किसी तरह की दुर्गंध भी पैदा नहीं होगी। कपड़े भी हम रोज ही बदलें, इससे भी बहुत अच्छा होगा। ये शुद्धि न केवल साधना के मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके लिए भी जो अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो दूसरों के साथ रहने से दूसरों को अच्छे फीलिंग्स देना चाहते हैं, उन सब के लिए। लेकिन अंदर की शुद्धि, अंदर माना विचारों की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, दृष्टिकोण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि, भोजन की शुद्धि बाह्य शुद्धि है, वो भी एक आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध भोजन करता है तो वो शुद्ध नहीं माना जाता। अशुद्ध भोजन माना तामसिक भोजन। जिन लोगों को अपने विचारों को महान बनाना है, जिन्हें परमात्मा के समीप पहुँचना है, जिन्हें योगयुक्त होना है, जो साधनाओं के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भोजन की शुद्धि भी परम आवश्यक है। मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, इसके लिए बहुत आवश्यक है पवित्रता की धारणा। पवित्रता ही हम सभी के चित्त को शुद्ध करती है, और पवित्रता ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के बिना सहज संभव नहीं होती। यदि कोई मनुष्य अंदर को शुद्ध करना चाहता है तो उसे ईश्वरीय ज्ञान ले लेना चाहिए, उसे राजयोग का अत्यधिक अभ्यास कर लेना चाहिए। ऐसे ही भगवान को वो बहुत प्रिय हैं जो पक्षपात रहित हैं और जो सभी दुखों से छूटे हुए हैं। पक्षपात, भेदभाव, जिसकी चर्चा जहाँ तहाँ की गई है, भगवान जब देखता होगा उसके बच्चे पक्षपात पूर्ण हैं तो उसे कैसा लगता होगा। पक्षपात आज के समाज में कुछ बहुत ही विकृत रूप ले चुका है। जैसे कई माताएं अपने बच्चों के बीच में पक्षपात रखती हैं, कन्याओं को अधिक महत्व देती हैं, लड़कों को कम, कहीं इसके विपरीत और बहुत ज़्यादा, लड़कों को ज़्यादा महत्व, कन्याओं को बिल्कुल नहीं। हमने दोनों केसेस देखे हैं। जो माताएं ऐसा भेदभाव रखती हैं, कन्याओं को हे दृष्टि से देखती हैं, समझती हैं ये तो पराए घर की हैं, खान पान में, रहन सहन में, लेन देन में लड़के और लड़कियों के बीच पक्षपात करती हैं, वो वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप का काम करती हैं। इससे समाज में पतन होता है, भावी संतति के विचार विकृत होंगे। वही माताएं जो नारी हैं, जो स्वयं कभी कन्या थी, जिनके साथ स्वयं भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया था, जब उनके साथ दुर्व्यवहार होता था तब वो सोचती थी माँ बनकर वो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन समाज की विकृति ने उनसे भी ऐसा ही करा दिया। ऐसा ही भेदभाव परिवारों में और लोगों के साथ, संगठन में दूसरों के साथ, फ्रेंड सर्किल में सबके साथ, यदि कोई पक्षपातपूर्ण
व्यवहार करता है तो वो वास्तव में प्रभु को प्रिय नहीं है, वो स्वयं को भी प्रिय नहीं है। आज पक्षपात का जमाना आ गया है, सब अपनों से प्यार करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, स्वार्थ भरा प्यार रखते हैं, दिखावे का प्यार रखते हैं। तो हम सभी इस धारणा पर भी विशेष ध्यान दें कि हम निष्पक्ष हो जाएं। प्यार देना है सभी को दें, सम्मान भी सभी को दें। भले ही संसार में भेद तो हैं, लेकिन हम भावों में भेद न लाएं। संसार में तो भेद रहेगा, जितने मनुष्य उतने ही भेद हैं, जितने धर्म उतने भेद हैं, लेकिन हमारी भावनाओं में ये भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण रवैया न हो। जो मनुष्य दुखों से छूटा हुआ है वो भगवान को बहुत प्रिय है। सोचने की बात है, कितनी बड़ी बात कही। इस संसार में तो आज मानो दुखों का साम्राज्य छा गया है। जिस मनुष्य को भी देखो, जिससे भी बात करो, उसके साथ दुखों की एक लंबी कहानी जुड़ी हुई है। चाहे वो युवक हो, बच्चे हों, बड़े हों, मध्यम वर्ग के हों, छोटी जाति के हों, बड़ी जाति के हों, बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, सभी के जीवन में दुख भरी कहानी है। लेकिन जो मनुष्य दुखी नहीं रहता, जो इसको इस विश्व नाटक की भावी समझ कर सहज स्वीकार करके हल्का रहता है, वो वास्तव में दुखों में भी दुखी नहीं रहता, सुखी रहता है। और ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। तो आओ हम सभी दुखों के संसार में रहते हुए दुखों की फीलिंग से परे हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं। संसार तो है ही दुखधाम, भगवान ने इसे दुखधाम कहा है। यदि हम दुखधाम में रहते हुए भी सुखधाम की फीलिंग में रहें, यदि हम दुखधाम में रहते हुए दुखों के अनुभव से परे हो जाएं, तो सचमुच हम शक्तिशाली हैं, हम महान हैं और परमात्मा के प्यार के पात्र हैं। परंतु ये कैसे हो? दुख बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, कहीं आग से सब कुछ नष्ट हो रहा है, कहीं भूकंप तबाही मचा रहे हैं, कहीं आपस में युद्ध हो रहे हैं, गर्मी से बहुत लोग मरे, बरसात से बहुत लोग मर रहे हैं, सर्दी से भी लोग मर जाते हैं। दुख ही दुख हैं, हॉस्पिटल में जाओ तो भरे पड़े हैं दुखी लोगों से, उनके चेहरे देखो, सबके चेहरों पर दुखों की झलक दिखाई देती है। मनुष्य जब सवेरे उठता है तो दुख की फीलिंग लिए उठता है। चेंज करें हम इन सबको, दुखों का संसार है। संसार में मानो दुखों की आंधी चल रही है, पर इस आंधी से सुरक्षित होने के लिए हम अपने चारों ओर श्रेष्ठ स्वमान का कवच बना लें, हम अपने विचारों को महान कर लें, ताकि हमारे अपने विचार हमारे दुख को न्यूट्रल कर दें। हम जान लें कि हमारे एक एक विचार में, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति दुखधाम के बीच रहते हुए भी हमें दुखों से मुक्त कर सकती है। तो हम विचार करें, बहुत अच्छी तरह सोच लें कि जीवन की इस यात्रा को हमें सुखदायी बनाना है, सुख में संसार की रचना करनी है, अपने चेहरे पर दुखों की झलक नहीं आने देनी है, ऐसा महसूस करना और कराना है कि इस दुख भरी दुनिया में रहते हुए भी हम दुखों से मुक्त हैं। ऐसी विचारों की महानता, परमात्म समीपता, परमात्म पालना के अंदर उसकी छत्र छाया में हम रहें और छोटे मोटे दुख से स्वयं को दुखी न करें, तो सचमुच हम प्रभु प्यार के पात्र बन जाएंगे, हमें वो बहुत प्यार करेगा। तो आओ हम अपने कदम इसी ओर बढ़ाएं। दर्शकों, आपने देखा कि परमात्मा केवल उन्हीं मनुष्य आत्माओं से प्रेम करते हैं जो न स्वयं क्रोध करते हैं न औरों को क्रोध दिलाते हैं, जिन्होंने अपनी ईर्ष्या, द्वेष और आकांक्षाओं का त्याग किया है, जिनके विचार शुद्ध और पवित्र हैं। तो क्यों ना हम अपनी स्थिति ऐसी बनाएं कि हमें परमात्मा प्रेम मिलता रहे। ऐसी स्थिति बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, जरूरत है तो अपना योग परमात्मा से जुड़े रखने की। तो भाइयों और बहनों, आइए और परमात्मा से अपना योग लगाकर अपने विकारों का त्याग कीजिए। इसी के साथ हम 32वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है
ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, पिन कोड नंबर 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 0941442386। समय की पुकार।